A pair of rabbits are trillion to produce in the first month. In the second, and every subsequent month, they produce a new pair. Each new pair of rabbits produce a new pair in the second month, and in every subsequent month. Assuming no rabbit dies, the number of pairs of rabbits at the start of the first, second, third, and sixth month respectively are. Okay, so this is the example given here. To understand it, what is the meaning of the word progression? Pair of rabbits are too young to produce in their first month. In the second, every subsequent month, they produce a new pair. एक new pair यहाँ पे बन जाता है. और आप इसको देखेंगे, एक pair यहाँ पे ये है. One pair is here, right? So next month में there is a new pair of rabbits. So यहाँ पे कितने pair हो गए हैं? Two pair हो गए हैं. And in the next month, एक pair तो ये था ही यहाँ पे. This is the original pair, right? And in the next month, एक पेयर इनसे आ गए यहां से, ठीक है. एक पेयर, एक इन्होंने एक पेयर बना दिया है, एक पेयर इससे आ गया है, ठीक है. एक ये था थ्री, एक पेयर इससे आ जाएगा. ये तो ओरिजिनल पेयर है, सॉरी ओरिजिनल पेयर है यहाँ पे, और एक पेयर इससे जनरेट हो गया है. तो नेक्स्ट में कितने हो गए हैं? फाइव हो गए हैं, राइट. अब देखिए, एक तो ये ओरिजिनल यहाँ पे आ गया एरो, इससे एक पेयर यहाँ पे जनरेट हो गया है. ये ओरिजिनल आ गया, राइट, और ये ओरिजिनल है यहाँ पे, और इससे एक पेयर जनरेट हो गया है यहाँ पे, ठीक है. ये ओरिजिनल है, ऊपर से नीचे लिख लिया एज इट इज, इससे एक पेयर जनरेट हो गया है, और यहाँ पे ये ओरिजिनल है. तो पेयर कब जनरेट होता है? फर्स्ट टाइम में पेयर जनरेट नहीं होता है. तो जैसे इट्स टू यंग, यहाँ पे लिखा हुआ है टू यंग टू प्रोड्यूस इन द फर्स्ट मंथ, तो फर्स्ट मंथ में प्रोड्यूस नहीं होता. यहाँ पे सेकंड में है, देखो यहाँ से पेयर बन जाएगा, ठीक है. ये एज इट इज आ गया, ये सेकंड में, यहाँ से पेयर बनेगा. अब इसमें देखो, यहाँ से पेयर नहीं बना इससे, क्योंकि ये फर्स्ट में है, फर्स्ट मंथ में पेयर नहीं बनता. जब यहां से देखो, यहां से पेयर बन गया, ठीक है. तो आप एक पैटर्न देखिए, यहाँ पे पेयर एक प्रोड्यूस हो जाता है, वन वन टू थ्री फाइव एट. सो ईच न्यू पेयर ऑफ रैबिट प्रोड्यूस अ न्यू पेयर इन देयर सेकेंड मंथ. सो ईच न्यू पेयर प्रोड्यूस सेकेंड मंथ इन अ सब्सिक्वेंट मंथ. एज्यूमिंग नो रैबिट डाइज, द नंबर ऑफ द पेयर ऑफ अ रैबिट एट स्टार्ट इज दिस वन, दिस थिंग इज गिवन रेस्पेक्टिवली. सो दिस इज द एग्जांपल हियर. So this thing is called as progression. It follows a particular pattern. एक पेयर वहां पे सेकेंड मंथ में हर एक पेयर जनरेट हो जाता है, सेकेंड मंथ में पेयर जनरेट हो जाता है, राइट. So in the examples above, the various examples we have discussed, we observe some patterns in that, right. In some, we find that succeeding terms are obtaining or multiplying with a fixed term. In some, we find that the succeeding terms are obtained by adding a fixed number, in other by multiplying with a fixed number. किसी में एक fixed number add करते जा रहे हैं preceding term में, ऐसे pattern हम लोगों ने देखे हैं. किसी में एक fixed number से multiply करते जा रहे हैं हम लोग, right? ऐसे pattern हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, right? In another, we find that the square of the consecutive numbers, कुछ में consecutive numbers के squares होते जा रहे हैं, right? And so on. So we have discussed various patterns here. Basically now in this chapter we shall discuss one of these pattern. अब इनमें से एक pattern हम लोग discuss करने वाले हैं इस chapter में. In which succeeding terms, जो succeeding terms आएगी, obtained by adding a fixed number to the preceding term. एक पीछे वाली term में एक fixed number add करने के बाद एक succeeding term आएगी, right? So we shall also see how to find their nth term in this chapter. Nth term कैसे find करते हैं, ये भी हम लोग सीखेंगे. The sum of the n consecutive terms का sum निकालना हम लोग सीखेंगे इस chapter में. And use this knowledge in solving some daily life problems. और इस नॉलेज को हम लोग कुछ डेली लाइफ प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में भी यूज करेंगे. सो दैट्स आर द थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, राइट. एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. लुक एट दिस हियर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. कंसीडर द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द नंबर्स. सो लुक एट द स्क्रीन, इट इज द वेरियस नंबर्स आर गिवन. सपोज यहाँ पे वन है, टू है, थ्री है, फोर है, एक ही लिस्ट है, राइट. लुक एट दिस, 100, 70, 40 एंड 10. Like this, what is the common pattern you have observed in the first one? तो first one में अगर आप देखें, plus one, yes, plus one. लोग preceding term में plus one कर देते हैं,
ठीक है, इसमें देखिए आप सेकंड वाले में एक आपको कॉमन पैटर्न दिखाई देगा, -30। इसमें हम लोग -30 कर रहे हैं, जो प्रीसीडिंग टर्म है, जैसे 100 में से -30 करेंगे तो 70 आ जाएगा, 70 में से -30 करेंगे तो 40 आ जाएगा, 40 में से -30 करेंगे तो 10 आ जाएगा, राइट। सो वी आर सब्ट्रैक्टिंग, -30 कर रहे हैं। लुक एट दिस थर्ड वन, इट्स -3, -2, -1, 0, प्लस 1, यस वी आर एडिंग 1, हम लोग यहां पे 1 ऐड कर रहे हैं, प्लस 1, इसमें हम लोग 1 ऐड कर रहे हैं, इसमें 30 माइनस कर रहे हैं, इसमें 1 ऐड कर रहे हैं, लुक एट दिस 333 इनटू 1, सो व्हाट वी आर एडिंग इन दिस, इन द नेक्स्ट टर्म, प्रीसीडिंग टर्म में क्या ऐड करते हैं कि नेक्स्ट टर्म मिल जाता है, हम लोग 0 को ऐड करते हैं, इफ वी ऐड प्लस 0 देन द टर्म्स विल रिमेन सेम, तो टर्म सेम रहती हैं। इसमें अगर आप देखेंगे -1, -1.5, -2, -2.5, व्हाट वी आर डूइंग इन दिस, इफ यू प्रीसीडिंग टर्म में क्या करते हैं हम लोग, -1.5 मिल जाता है, -0.5, हम लोग 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली राइट। सो इफ यू लुक एट दिस, ईच ऑफ द नंबर इन द लिस्ट इज कॉल्ड टर्म, एक वर्ड आया है यहां पे टर्म, तो टर्म किसको बोलते हैं, ईच ऑफ द नंबर्स हियर, सो लुक एट दिस, दिस 1 इज कॉल्ड टर्म, 2 इज कॉल्ड टर्म, 3 इज कॉल्ड टर्म, 4 इज कॉल्ड टर्म, राइट, एंड दिस टर्म्स आर सेपरेटेड बाय कोमा, जैसे 1 लिखा फिर कोमा लगाया, इफ आई पुट कोमा तो उसके बाद से नेक्स्ट टर्म शुरू होगी, ठीक है, फिर 3, फिर 4, राइट। अब इसमें हम लोगों ने कॉमन पैटर्न यहां पे ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, सो इन दिस यू कैन राइट द नेक्स्ट टर्म इन ईच ऑफ द लिस्ट अबव, इफ सो हाउ वी विल यू राइट इट, द परहैप्स द फॉलोइंग अ पैटर्न, सो ये जो हम लोगों ने जो एग्जांपल लिए हैं ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, राइट, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आपने देखा 1 ऐड किया हमने, फिर 30 को सब्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं, राइट, लाइक दिस वी हैव डन, सो इन ऑल द लिस्ट अबव वी सी द सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म, हमें क्या हुआ, एक प्रीसीडिंग टर्म में एक नंबर ऐड किया है, वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट, देन वी गेट द सक्सेडिंग टर्म, सो पहले एग्जाम्पल में अगर आप देखेंगे तो हमने क्या नंबर ऐड किया, 1 ऐड किया है, दूसरे एग्जाम्पल में आप देखेंगे तो हमने कौन सा नंबर ऐड किया है, -30 हम लोग ऐड करते चले गए हैं, तो वो सीरीज कम होती चली गई है। फोर्थ वाले एग्जाम्पल में आप देखें तो हमने क्या ऐड किया, हमने 0 ऐड किया, राइट, सो लाइक दिस हम लोगों ने प्रीसीडिंग टर्म में एक पर्टिकुलर फिक्स्ड नंबर ऐड किया है, राइट, और हमें सक्सीडिंग टर्म मिल गई है, राइट, सो सच लिस्ट ऑफ नंबर्स इज सैड टू फॉर्म एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सो दिस इज द नेम ऑफ द चैप्टर, ऐसी सीरीज को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेट मी गिव यू द डेफिनेशन फॉर दिस, सो व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म में हम लोग एड नहीं करते हैं, जैसे फर्स्ट टर्म ले लिया हमने, एग्जाम्पल अभी पीछे लिया था 1, राइट, देन नेक्स्ट टर्म कैसे आई, एक फिक्स नंबर ऐड किया, 1 ऐड किया तो 2, 2 में प्रीसीडिंग टर्म इज 2, तो यहाँ पे जो प्रीसीडिंग टर्म वर्ड यूज किया है तो ये 2 है प्रीसीडिंग टर्म, इसमें एक फिक्स नंबर ऐड करना है, फिक्स नंबर क्या ऐड करेंगे, 1, तो ये नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी यहाँ पे, नेक्स्ट टर्म इज 3, राइट, सो दिस इज द लिस्ट, दिस लिस्ट इज कॉल्ड एज लाइक दिस, दिस लिस्ट इज कॉल्ड एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट, आई होप नाउ यू आर फैमिलियर विद दिस वर्ड, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हियर, now if you look at this arithmetic progression here, so we have discussed various examples, so now what is this fixed number, this fixed number is called as common difference, is fixed number ko hum log common difference bolenge, right, common difference of the ap, and remember that it can be negative, ye negative bhi ho sakta hai, positive bhi ho sakta hai, negative bhi ho sakta hai, aur zero bhi ho sakta hai, so whatever the examples we have discussed here, पर आप इन एग्जांपल्स को देखेंगे, सो इन दिस एग्जांपल्स इफ यू लुक एट दिस, यहां पे कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस, सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, जो हम लोग एक फिक्स्ड नंबर, दैट फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड एज कॉमन डिफरेंस, तो क्या ऐड कर रहे थे हम लोग यहां पे फर्स्ट एग्जांपल में, +1, +1, सो यहां पे ये आ गया +1, तो कॉमन डिफरेंस जो है दैट मस्ट बी पॉजिटिव ऑल्सो, राइट, और अगर आप यहां पे देखेंगे इन द सेकेंड एग्जाम्पल, तो यहां पे क्या ऐड कर रहे हैं आप, -30, -30, -30,
So it is equal to minus 30, right? And if you look at this example here, fourth part. So what is the common difference in this case? क्या number add कर रहे हैं? Zero. So common difference, ये बताना चाहते हैं, common difference positive भी हो सकता है, negative भी हो सकता है, और zero भी हो सकता है, right? If you come here, the fixed number is called as common difference, and remember that it can be positive, negative, or zero also, right? I hope now the definition of the AP is clear to you. AP क्या होती है? AP एक arithmetic progression, इसका पूरा नाम है arithmetic progression. हम लोग इसको AP बोलेंगे इस chapter में. It is a list of numbers in which next term is obtained by adding a fixed number in a preceding term. पीछे वाली term में एक fixed number add करने के बाद हमें next term मिलती जाती है. एक fixed number add करते जाते हैं, next term मिलती जाती है. तो वो जो list बनती है numbers की, that list is called as arithmetic progression. और जो fixed number add करते जाते हैं, इस fixed number को बोलते हैं common difference, right? So this fixed number is called as common difference. Now look at this here. Let us denote the first term of the AP by A1. First term को A1 से denote करते हैं. Second term को A2 से denote करते हैं. Like this, nth term को AN से denote करते हैं. Right? And the common difference is denoted by D. Then AP will become A1, A2, A3, so on up to AN. Right? And one most important thing is given here. How to find out the common difference? Common difference कैसे find out करें? Fixed number का, right? So let me explain this with the help of the example to you. Look at this example. I am writing a list of numbers. Suppose 3, 7, 11, 15, 19, and so on, right? And so on, right? So look at this. जो फर्स्ट टर्म होती है एपी में, हम लोग स्टैंडर्ड नोटेशन उसको बोलते हैं A1, A, और यहाँ पे सफिक्स में छोटा सा जो 1 लिखा है, A2. फर्स्ट टर्म को A1 बोलेंगे, सेकंड टर्म को A2, ये थर्ड टर्म होगी, दिस इज द थर्ड टर्म डिनोटेड बाय A3, फोर्थ टर्म डिनोटेड बाय A4, एंड फिफ्थ टर्म डिनोटेड बाय A5. और यहाँ पे जो लास्ट में कोई नंबर आएगा, यहाँ पे सपोज कोई नंबर आ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड एज AN, nth number, ये nth place पे है. तो जो first place पे है element, उसको A1 बोलेंगे, second place पे है A2, third place पे A3, fourth place पे A4, fifth place पे A5, और nth place पे AN उसको बोलेंगे, right? ये कौन सा number है? पहला, ये दूसरा, ये पहला number है, ये दूसरा number है, ये third है, ये fourth है, ये fifth element है इसका AP का, और चलते चलते ये nth element है, right? So this is the AP is denoted like this, A1, A2 up to AN. तो जो इन्होंने यहाँ पे ये समझाया हमें, ये AN तक denote करते हैं, ठीक है? Common difference को D से denote करते हैं, और common difference find out कैसे करते हैं? So उन्होंने हमें बताया common difference find out करने का जो तरीका है, D अगर आपको find करना है, तो आपको second term में से A2 में से A1 को minus कर दीजिए. A2 यहाँ पे ये है, A2 में से A1 को minus कर दीजिए. तो माइनस करके देखते हैं, A2 क्या है यहाँ पे, 7. तो 7 में से अगर 3 को माइनस कर दें, तो वो फिक्स नंबर मिल जाएगा हमें जो ऐड किया था. तो 3 से 7 आने के लिए इट इज 4. सो दैट कॉमन डिफरेंस इसमें 4 है. तो आप देखेंगे 3 से 7 कैसे हुआ, एक फिक्स नंबर ऐड किया, वो फिक्स नंबर क्या है, 4. तो फाइंड कैसे करते हैं, सक्सीडिंग टर्म से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस कर दीजिए. तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाता है. आप इसको ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, अगर थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कर दें, थर्ड टर्म से सेकंड टर्म को माइनस कर दें, तो थर्ड टर्म क्या है, थर्ड टर्म है 11, तो 11 है. सेकंड टर्म क्या है, 7. 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4. तो ये सेम आएगा. अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इफ आर लिस्ट ऑफ द नंबर एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सो दैट list of numbers is called as arithmetic progression. इसको हम लोग ऐसे भी find कर सकते हैं, A4 में से, मतलब एक पीछे वाली term को minus करना है, तो fourth term क्या है यहाँ पे, 15 है, तो 15 में से अगर 11 को minus करेंगे तो 4 आएगा. तो अगर ये common difference same आता है, तो ऐसे list of numbers को ही arithmetic progression बोलते हैं. एक यहाँ पे इन्होंने ये use किया है, an में से an minus 1 को minus करना है. An का मतलब है अगर nth टर्म है, तो जैसे यहाँ पे ये An है, तो इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो होगी An-1, ठीक है?
इससे पहले वाली होगी ए एन माइनस टू, जैसे यहाँ पे फाइव है, ए फाइव है, तो उससे पहले वाली ए फोर होती है, तो ए एन है अगर तो एन माइनस वन होगी, तो जैसे फाइव है तो यहाँ पे फाइव माइनस वन इक्वल टू फोर आया है, तो फाइव है तो यहाँ पे फाइव माइनस वन लिखा है, यहाँ पे nth टर्म है तो उससे पहले वाली टर्म n माइनस वन होगी, तो कॉमन डिफरेंस हम लोग इनसे भी फाइंड कर सकते हैं। तो जो d है हम लोग यहाँ से, उन्होंने यहाँ पे बताया कि वी कैन फाइंड d ऑल्सो, जो nth टर्म में से उससे पहले वाली टर्म को माइनस कर दीजिए, देन यू विल गेट द कॉमन डिफरेंस, राइट। आई होप दिस कॉमन डिफरेंस इज क्लियर टू यू ऑल नाउ, वट इज द कॉमन डिफरेंस एंड हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस। Let us look at some other, some more examples of AP to understand it in a better way. So if you look at this example A here, it is the height of the student of a school standing in a queue in a morning assembly. So morning assembly में बच्चे खड़े हैं standing queue के अंदर, ठीक है, height के according 147, 148, 149 centimeter, 157 like this. Is it AP? Is the difference is same? 147 yes, से 148, 148 से 149, तो 1-1 का difference है. Yes, it is AP. So this is the example of AP. Yes, AP है. Look at the second example here. Minimum temperature recorded for a week in the month of January in a city arranged in ascending order. R. तो minimum temperature record किया है एक week के लिए. एक week की minimum temperature January month में इन्होंने record किया. तो temperature क्या आया? पहले week में first day आया 3.1, फिर 3. फिर 2.9, 2.8, 2.7, 2.6, 2.5, क्या ये एपी है? ये एपी है, यस। एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन दिस एपी? सब प्लस 0.1। कैसे फाइंड किया हम लोगों ने? जो ए टू है माइनस 3.0 में से माइनस किया माइनस 3.1, तो हमारे पास आएगा इट्स कम्स आउट टू बी माइनस 3 प्लस 3.1 इज इक्वल टू 0.1, सो कॉमन डिफरेंस। If you look at this here, second example, balance money after paying 5% of the total loan of 1000 every month is, तो एक यहाँ पे बना 950, 900, 850, 800 और लास्ट में 50. So ये balance money बचती है after paying the loan amount. So is it AP? Yes, it is AP. And what is the common difference in this case? एक fixed number हम लोग, इट्स माइनस 50, माइनस 50. डिफरेंस नेगेटिव में भी आ सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लुक एट दिस फोर्थ एग्जांपल, ये इसको देखते हैं एपी है क्या। द कैश प्राइस गिवन बाय अ स्कूल टू द टॉपर ऑफ क्लास 1 टू 12th आर रेस्पेक्टिवली। तो फर्स्ट क्लास को प्राइस मिला 200, सेकंड क्लास वाले को टॉपर को 250, फिर 300, फिर 350, फिर 750 तक प्राइस गया। इज इट एपी? यस सर। तो ये भी एक एपी का ही एग्जांपल है और डिफरेंस इसमें 50 है, प्लस 50। यस, प्लस 50। ओके, अब ई पार्ट देखिए, द टोटल सेविंग आफ्टर एवरी मंथ फॉर 10 मंथ व्हेन 50 आर सेव्ड ईच मंथ, हर एक महीने 50 रुपीज ऐड जोड़े हैं उसने, सेव किए हैं, तो 50, 100, 150, 250, तो इज इट एपी? यस सर, यस इट इज एपी। एंड द कॉमन डिफरेंस इन दिस केस इज जनरल फॉर्म ऑफ द एपी, एपी की जनरल फॉर्म क्या है। अगर आप एक एग्जाम्पल ले लें यहाँ से पीछे से, तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, दिस इज द एग्जाम्पल डी। एग्जाम्पल डी में जो एपी की फॉर्म है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिटन ऑन द स्क्रीन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। सो 200 था, 250 था, 300 था, 350 था, राइट, एंड अप टू 750 तक ये गया, ठीक है, इट्स अप टू 750। तो अगर आप इसको एक कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड किया था इसमें, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे आया था हमारे पास, तो द डिफरेंस इन दिस केस इज 50। कॉमन डिफरेंस 250 में से नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाली टर्म को माइनस कर देते हैं, तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, इट्स 50। तो अगर ये एपी है, और ये देखिए एपी में ये क्या होगा, ये फर्स्ट टर्म होगी, दिस इज द फर्स्ट टर्म, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए वन,
ये सेकेंड टर्म होगी ए टू, दिस इज थर्ड टर्म ए थ्री, ये होगी फोर्थ टर्म ए फोर लिख सकते हैं इसको, और ऐसे चलते चलते मान लीजिए ये है nth टर्म, n का हमें पता नहीं कौन से नंबर वाली टर्म है, टेंथ वाली टर्म है, इलेवंथ वाली है, वो हमने an लिख लिया, ठीक है। एपी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द स्टैंडर्ड एंड जनरल फॉर्म ऑफ द एपी, राइट। सो इफ यू लुक एट द जनरल फॉर्म, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस। अगर ए फर्स्ट टर्म है सो डी कॉमन डिफरेंस है, तो उस केस में क्या होगा, अगर ए फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है ए, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट किया, तो व्हाट इज दिस सेकंड टर्म, ये सेकंड टर्म कैसे आई है, ये सेकंड टर्म आई है ए में अगर डी ऐड करें हम लोग, ए प्लस डी, तो ए क्या था 200, सो 200 में अगर 50 ऐड करेंगे तो 250 आ जाएगा, राइट। अब ये क्या होता है, नेक्स्ट टर्म जो मिलती है हमें वो पीछे वाली टर्म में डी ऐड करना होता है, दैट फिक्स्ड नंबर कॉमन डिफरेंस। अब a प्लस डी में अगर d ऐड करें तो नेक्स्ट टर्म क्या मिलेगी, a प्लस 2d, d ऐड करेंगे तो a प्लस 2d मिलेगी, तो अगर आप a को रखेंगे 200 और 2 इंटू 50 तो 300 आ जाएगा। अब इसमें a प्लस 2d में d ऐड करिए तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलेगी, नेक्स्ट टर्म इज a प्लस 2d में d ऐड करेंगे तो a प्लस 3d, सो लाइक दिस सो ऑन, राइट। तो अब इसमें हमें यहाँ पे ये पता लग रहा है, कॉमन पैटर्न बन रहा है, तो अब अगर आप देखेंगे तो दैट जनरल फॉर्म ऑफ द एपी इज पहली टर्म a, सेकेंड टर्म इज a प्लस डी, थर्ड टर्म a प्लस 2d, फोर्थ टर्म a प्लस 3d एंड सो ऑन। सो लेट मी राइट इट हियर, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है, फर्स्ट टर्म a के इक्वल होती है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेकेंड टर्म क्या होती है a प्लस d, थर्ड टर्म क्या लिख सकते हैं, थर्ड टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d, फोर्थ टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं a प्लस 4d, so this is the common pattern following by these terms, so this is very important thing and this is the general form of the AP, AP की general form है, तो ये AP की general form लिखी हुई है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऊपर, so this is the general form of AP, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं AP को। इसमें एक nth term अगर मुझे find करनी है an, an क्या आएगा, तो देखो एक common pattern पकड़िए यहाँ पे, a1 है तो a आ रहा है, सेकेंड टर्म यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे क्या आ रहा है ए प्लस डी, तो डी के साथ 1 आ रहा है, यहाँ पे 3 है ए 3 तो ए 3 डी के साथ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो एक कम आ रहा है डी के साथ एक नंबर, ए 4 है तो यहाँ पे डी के साथ क्या आ रहा है 4 की जगह पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, ठीक है, एक कम आता है, 4 है तो 4 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे डी के साथ 0 था तो कोई भी एड नहीं हुआ 0 डी, 2 था तो एक डी के साथ क्या था 1, यहाँ पे 3 था तो d के साथ क्या था 3 माइनस 1 2 था, ओके 4 था तो d के साथ क्या था 4 माइनस 1 राइट, तो 3 आया, 5 था तो यहाँ पे आया 5 माइनस 1, सो इफ आई राइट लाइक दिस, इफ इट इज ए एन, इफ इट इज ए एन सो इट इज ए प्लस, तो d के साथ क्या आएगा, व्हाट इज द नंबर अलोंग विद d इन दिस केस सर, n माइनस 1 इनटू d, यस n माइनस 1, very good, so this is the formula we will discuss in detail in the next class, so this is the nth term, to yahan pe ek number kam ho jata hai, 4 hai to 4 minus 1 ho jata hai, matlab 3, 5 hai to 5 minus 1, n hai to n minus 1, so rest of the thing we will discuss in the next class, so that's all for today, it's time up today.